हेलो एवरीबॉडी, रॉकेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है एक रील की। ओके, तो हमारे पास खाली रील हो चुकी है। अब इसके कवर में किसी भी पेन के कैप को हम सेट कर देंगे। पेन का कैप दोस्तों ऐसा होना चाहिए जिसकी शेप ऊपर से तीखी हो, जिसको हवा में उड़ने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर मैं इसे टाइटली फिट कर देता हूँ और ये फिट हो चुका है। ठीक है, अब हम मैस्टिक्स के हेड को कट कर लेते हैं जिन पे पाउडर लगा होता है। हमें इसके काफ़ी सारे की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने पहले से ही कट करके रखे हुए हैं काफ़ी सारे मैस्टिक्स के हेड्स को। अब हम इसके अंदर इसे पूरी तरह से फील कर देते हैं। हमें ये पूरे तरीके से फिट करके ऊपर तक भर देना है। ओके, तो ये भर चुका है। हमारा रॉकेट पूरी तरह से फ्यूल से लेस है। अब इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। किसी भी आप मिर्ची बम का या बाकी किसी क्रैकर का फ्यूज़ ले लीजिए। इसके अंदर आधा इसे डाल देंगे और आधे को हम बाहर रखेंगे। अब ये उल्टा करने के बाद निकल सकते हैं, तो इसके लिए हम कोई भी फॉइल पेपर को छोटी सी बोल में बना करके यहाँ पे फिट कर देंगे। इसके लिए भी हम सेफ्टी यूज़ करेंगे, फेविक्विक से इसे अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये अच्छे से चिपका रहे। ओके, 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई का कोई भी बैम्बू स्टिक आप ले लीजिए। आप घर में पड़ी किसी झाड़ू से भी ये ले सकते हैं। और इसे फेविक्विक से मैं फिर से चिपका देता हूँ, क्योंकि फेविक्विक अपना काम बहुत क्विकली करता है इसीलिए। और लगभग अब हमारा रॉकेट सूखने के बाद पूरी तरह से ही मतलब तैयार हो जाएगा उड़ने के लिए। तो चलिए अब इसका टेस्ट कर लेते हैं। हम आ चुके हैं आउटडोर में और दोस्तों मैंने इसमें आग लगा दी है। आप पीछे की आवाज़ को बड़े ध्यान से सुने, मैं चाहता हूँ। वाओ, एक जेट फाइटर के जैसी आवाज़ और सक्सेसफुली रॉकेट उड़ चुका है। गुड बाय।